सीबीआई आज 7 लोगों से पूछताछ कर रही है। सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और केशव से पूछताछ चल रही है। रजत मेवाती, शौविक चक्रवर्ती को आमने सामने करके पूछताछ चल रही है। सुशांत के अपार्टमेंट का गार्ड भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा, यानी सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज, केशव, रजत मेवाती, शौविक चक्रवर्ती, इन सभी के साथ में पूछताछ कर रही है। अभिषेक शर्मा का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, डीआरडीओ गेस्ट हाउस की हलचल क्या है, कितने लोग पहुंचे हुए हैं, किन किन से पूछताछ हुई है सुबह से लेकर के अभी तक, शौविक चक्रवर्ती ने क्या बताया? जिस तरीके से देखिए, आज नया किरदार राशिद इस पूरे मामले पर जुड़ा है, वह है, उसका नाम है शौविक चक्रवर्ती। देखिए, पूरे चक्रवर्ती खानदान पर, चक्रवर्ती एंड कंपनी पर लगातार इस बात पर लग रहा था क्या चक्रवर्ती की तरफ से कोई पूछताछ होगी या नहीं होगी। तो जरूर देश का वो जो कहते हैं जो मूड था, वह कहने के सीबीआई को समझ में आया और सीबीआई ने आज शौविक को बुलाया। शौविक से लगातार सुबह 10 बजे शौविक यहाँ पहुंचा है, 10 बजे से लगातार पूछताछ यहाँ पर चल रही है। कई सारे अहम जानकारियां उसने सीबीआई को उगली है, बताई है। कारण साफ है, देखिए, जिस तरीके से 8 जून का वाकया, जिस दिन, हालांकि जो सिद्धार्थ पिठानी ने बताया है कि 8 हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय किया गया और एक आईटी प्रोफेसर को बुलाया गया था, तो आखिरकार उसमें क्या क्या था? क्योंकि देखिए, इसीलिए शुरुआत से हम जब लगातार दावा कर रहे थे, राशिद, हमारे आपकी बात जब होती थी, उसमें साफ था कि सीबीआई इस बात पर जानना चाहती थी कि जब हमको रिया चक्रवर्ती एंड उनके फैमिली को बुलाया जाए तो हमारे पास तमाम ऐसे सबूत हो, तमाम सवाल हो, ताकि कब तक पहुंच सकती है डीआरडीओ गेस्ट हाउस। देखिए, इसका कोई अब तक समय मुकर्रर नहीं है कि कब तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको बता दूं जो इसका समय मुकर्रर नहीं है। और सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक पिछले 4 घंटे की डीआरडीओ गेस्ट हाउस की हलचल क्या रही है, शिवानी बताइए। शिवानी भी हमारे साथ में है, शिवानी बताएं 4 घंटे की हलचल। ओवर टू यू शिवानी। मामला दिन ब दिन नए खुलासों के साथ और भी ज्यादा पेचीदा और भी ज्यादा क्लियर होते जा रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि एक के बाद एक ईडी के बाद सीबीआई और अब नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली से भी नार्कोटिक्स की जो टीम है वो रवाना हो चुकी है मुंबई के लिए। बताना चाहेंगे कि फिलहाल डीआरडीओ के इस गेस्ट हाउस में हम मौजूद हैं, जहां पर सीबीआई की टीम रुकी हुई है। लगातार एक के बाद एक लोगों से यहां पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिलहाल डीआरडीओ के अंदर 7 लोग मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 7 लोगों में सिद्धार्थ पिठानी है, जिनका आज 6ठा दिन है यहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का। सिद्धार्थ पिठानी के अलावा यहाँ पर नीरज, रजत मेवाटी, केशव, शौविक, सुशांत सिंह राजपूत के वॉचमैन, ये सभी लोग डीआरडीओ के अंदर मौजूद है। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि अब रिया चक्रवर्ती के पिता को भी समन जारी कर दिया गया है, जहां पर वो सांताक्रूज पुलिस स्टेशन पर पहुंचे, उन्होंने अपना बयान दर्ज किया। साथ ही साथ वहां से निकलते निकलते मीडिया वालों को एक लाइन में जो जवाब दिया था वो ये था, क्या जान ही ले लोगे। यानी कि कुल मिलाकर फिलहाल चक्रवर्ती फैमिली के ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा है उसमें पूरी तरह से अब परिवार के ऊपर दबाव है, क्योंकि अब शौविक जिस तरह से डीआरडीओ पहुंचे उनकी फिलहाल इंक्वायरी अंदर चल रही है। सिद्धार्थ पिठानी ने भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया था कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने सीबीआई को यह भी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की 8 हार्ड डिस्क को भी आईटी प्रोफेशनल्स की हेल्प से ही डिस्ट्रॉय किया गया है। फिलहाल सीबीआई के मूवमेंट में आज लोग ज्यादा अंदर गए हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंदर रखा गया है। लेकिन जानते हैं जो एनसीबी की तैयारी है ना, मुंबई से लेकर के गोवा तक, दिल्ली से लेकर के पटना तक, एनसीबी ये तलाशेगी कि आखिरकार ड्रग्स का जाल कहां कहां पर फैला हुआ है।